नमस्कार, देवभूमि हायर सेकेंडरी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का मेरा विशेष टॉपिक होगा UKPSC 2024 का एग्जाम, 14 जुलाई 2024 को जो होने जा रहा है। सभी लोग तत्पर होंगे और अपने उद्देश्य की पूर्ति में लगे होंगे, ये उम्मीद कर रहा हूँ। और सबसे पहले साफ सभी को अग्रिम शुभकामनाएं उत्तराखंड UKPSC 2024 के प्री एग्जाम के लिए। और इसी संदर्भ में आपके लिए एक विशेष टॉपिक रख रहा हूँ कि उत्तराखंड और भारत के इंडेक्स सूचकांक महत्वपूर्ण टॉपिक साबित हो सकता है। हो सकता है कोई एक या दो क्वेश्चन यहाँ से डाल दे, जैसे 30 तारीख को जो आपकारी का हुआ था वहाँ पर दो क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे। हालांकि अपडेट्स सूचकांक को अपडेट्स करना बहुत नया टॉपिक नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे सूचकांक खासकर उत्तराखंड में थोड़ा सा अपडेट चाहिए हमें, इसे सबको थोड़ा सा अपडेट के साथ ला रहा हूँ फिर से। और हो सकता है आपके सिलेक्शन में ये मील का पत्थर साबित हो जाए। चलिए, मेरा प्रयास फिर से आपके उद्देश्य की प्राप्ति में सफल होगा, उम्मीद कर रहा हूँ। शुरुआत कर देता हूँ, पहले उत्तराखंड के सूचकांक कवर कर रहा हूँ यहाँ पर 23-24 के, और उसके बाद जरूरत पड़ी तो इंडिया के सूचकांक लाऊंगा सभी लगभग। तो सबसे पहले यहाँ पर है राज्य सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2024, ठीक है, पहला नाम राज्य सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2024 जारी करने वाली संस्था का नाम चाहिए हमें, CPPGG, सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस, संस्था का नाम मिला। रिपोर्ट का आधार क्या है, 2019-20 से लेकर 22-23 तक राज्य के 13 जिलों में भुखमरी, गरीबी और बीमारियों से लड़ने की योजनाओं की प्रगति पर पूरा, यानी 19-20 से लेकर 22-23 तक की, ठीक है, इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी। और इसके हिसाब से उत्तराखंड के 13 जिलों का डिटेल लेखा जोखा होगा, जिसमें सबसे अच्छे जिले, टॉप में जो डिस्ट्रिक्ट आए हैं उनमें ये हैं सबसे अच्छे जिले, ठीक है। प्रगति सूचकांक है वैसे भी तो, नैनीताल, देहरादून, बागेश्वर और उत्तरकाशी, ठीक है। और सबसे पिछड़े जिले जिन्हें माना जा रहा है वो है उद्धम सिंह नगर, हरिद्वार और पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा। तो मतलब सबसे टॉप में नैनीताल है और सबसे पीछे उद्धम सिंह नगर। क्लियर हो गया होगा इस रिपोर्ट का बेस क्या था, ठीक है। और बेस क्या था, किस बेस पर था, कि 2019-20 से लेकर 22-23 तक जिलों में भुखमरी, गरीबी और बीमारी से लड़ने की योजनाओं की प्रगति, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए, पहली रिपोर्ट थी, तो ध्यान रखिएगा नैनीताल और उद्धम सिंह नगर। अच्छा, मतलब उत्तराखंड की SDG रैंकिंग की बात करूंगा तो सतत विकास लक्ष्य है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, या इसमें टोटल रैंकिंग 69 है उत्तराखंड की। चलिए आगे बढ़ता हूं, दूसरी रिपोर्ट यहां पर दिख रही है, ये है आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट और प्रति व्यक्ति आय 2024 और 25 वाला जो बजट का आर्थिक समीक्षा है उसके हिसाब से। रिपोर्ट जारी हुई है अप्रैल 2024 में और संस्था है उत्तराखंड अर्थ और संख्या निदेशालय, ठीक है। इसमें प्रति व्यक्ति आय वर्ष और आय के हिसाब से यहाँ पर डिटेल होगा, वित्तीय वर्ष हालांकि इसमें पूरा डिटेल है, लेकिन फिर भी जो हमें अभी का आंकड़ा चाहिए था उसकी हिसाब से देख रहे हैं। चलिए, ये था वित्तीय वर्ष राज्य में, और भारत का भी यहाँ पर दिख रहा है। तो भारत का वैसे तो मेनली हमें कभी कभी आंकड़े पुराने भी पूछ देता है, खासकर UKPSC में, तो 2013-14 से 1,26,000 ये उत्तराखंड का डिटेल है, और भारत का होगा 2020-21 में ये आंकड़ा है, और 2021-22 का ये आंकड़ा। वैसे बहुत ज़्यादा पुराने आंकड़ों की जरूरत तो नहीं है, लेकिन कभी कभी कोई भरोसा नहीं है। फिलहाल 2022-23 की प्रति व्यक्ति आय देखूंगा उत्तराखंड में, तो 2,33,000 और 1,72,276 लगभग भारत में प्रति व्यक्ति आय है पिछले वर्ष यानी 2022-23। और इस बार का जो आर्थिक समीक्षा का आंकड़ा है 2023-24 का, ठीक है, बजट 24-25 होता है लेकिन आर्थिक समीक्षा ये आंकड़ा था 2,60,201, कहीं पर इसे 211 लिखा है, बहुत सारे बच्चे मैसेज करते रहते हैं, तो मेरे हिसाब से 201 ही होगा, 11 नहीं होगा। और भारत में दिखूंगा तो 1,85,854, ठीक है, भारत की प्रति व्यक्ति आय कुल मिला के इतनी है और उत्तराखंड की 2,60,201 है। और इनका डिफरेंस किया जाए तो पिछले यानी एक साल में यानी 2,33 से लेकर 2,60 में तो लगभग 12.64%, कहीं 12% भी लिखता है तो चलेगा,
ठीक है। और यहाँ पर देखा जाए तो 172,000 से 185,000 लगभग 7.9% की वृद्धि हुई है। तो प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से देखा जाए तो उत्तराखंड में दिन प्रतिदिन प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है, और भारत की प्रति व्यक्ति आय के सापेक्ष उत्तराखंड प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा स्पीड से बढ़ रही है, ये कहना है। 12.64% है उत्तराखंड का वृद्धि, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाता हूँ। इसी संदर्भ में अगर राज्य उत्तराखंड के जिलों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय वाला जनपदवार डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला हरिद्वार है, 3,62,000 लगभग प्रति व्यक्ति आय है इसकी। और उसके बाद उद्धमसिंह नगर का आंकड़ा है और फिर देहरादून का आंकड़ा है। और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला होगा आपका रुद्रप्रयाग, 93,160, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक हरिद्वार का और सबसे कम रुद्रप्रयाग का न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय, और उसके बाद बागेश्वर और अल्मोड़ा, ठीक है। तो ये आंकड़ा था। चलिए तीसरा यहां पर जो रिपोर्ट है वो है केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय रिपोर्ट 2024, ठीक है। रिपोर्ट कब की है, लगभग अप्रैल 2023 से अप्रैल 2024 तक का लेखा जोखा है केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। इसमें क्या खास है, महंगाई दर को नियंत्रित करने के मामले में उत्तराखंड, ये प्रश्न है इसमें कि महंगाई दर को नियंत्रित करने के मामले में, वैसे उत्तराखंड की तीसरी पोजीशन है, कह रहे हैं थर्ड स्थान है उत्तराखंड का पूरे देश में। तो पहले टॉप में दिल्ली है, दिल्ली संघ शासित प्रदेश है, दूसरे स्थान पर बंगाल यानी वेस्ट बंगाल है, पहला राज्य भी हुआ है, और उत्तराखंड की पोजीशन तीसरी है 3.61% इसका रेशियो, और चौथे स्थान पर महाराष्ट्र इसके बाद। तो उत्तराखंड वैसे तो बंगाल के बाद दूसरे स्थान पर राज्यों में, लेकिन संघ शासित प्रदेश दिया जाए तो दिल्ली सबसे पहले महंगाई दर को नियंत्रित करके मामले में। अच्छा, राष्ट्रीय औसत देखा जाए तो महंगाई दर का राष्ट्रीय औसत है 4.83%, यानी पूरे राष्ट्र के औसत पर महंगाई दर को नियंत्रित करने का जो हमारा एवरेज है 4.83 है, और उत्तराखंड का 3.61, ठीक है। पहले स्थान पर दिल्ली और राज्यों में बंगाल, उत्तराखंड की दूसरी पोजीशन, टोटल में पूछा जाए तो उत्तराखंड का तीसरी पोजीशन। क्लियर हो गया होगा, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट जो यहां पर दिख रहा है, भारत की बौद्धिक संपदा रिपोर्ट, चौथा है भारत की बौद्धिक संपदा रिपोर्ट 2024, ठीक है। उद्देश्य क्या है, नवाचारों को प्रोत्साहन यानी इनोवेशंस को प्रमोट करने देने और पेटेंट फाइल करने के हेतु, उत्तराखंड का 8वां स्थान है इसमें, और पहले स्थान पर तमिलनाडु, ज्यादा कुछ नहीं था आंकड़ा, मतलब नवाचार इनोवेशंस को प्रमोट करने के लिए और नए नए पेटेंट फाइल करने में उत्तराखंड की पोजीशन अभी भारत में 8वीं है, अच्छा प्रश्न था। और टोटल पहले स्थान पर है तमिलनाडु पूरे भारत, ठीक है। तीसरी या चौथी रिपोर्ट हमारे पास थी। अब नेक्स्ट आ रही है भारतीय स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023, ठीक है। बहुत सारी रिपोर्टें साल दो साल के अंतर्गत आती हैं, कभी ढाई ढाई तीन तीन साल का अंतर लग जाता है, तो आपको जब रिपोर्ट आप देख रहे होंगे तो बहुत बड़ा कन्फ्यूजन सा हो रहा होगा, मुझे भी हो रहा था, बहुत ही मुश्किल से मुझे इस टॉपिक को तैयार करने में समय लगा है और बड़ा मुश्किल था इसको प्रेजेंट करना, फिर भी कर रहा हूँ हिम्मत के साथ। जो भी गलतियाँ होंगी आप मुझे डायरेक्ट मैसेज के माध्यम से सूचित कर सकते हैं। आयोजनकर्ता भारतीय स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 आवास और शहरी मंत्रालय, ठीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण सम्मेलन का आयोजन भारत मंडपम दिल्ली में हुआ था इस बार, और देश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया था इंदौर को लगातार 7वीं बार, और उत्तराखंड में पहला पुरस्कार प्राप्त हुआ है देहरादून, और देहरादून शहर की जो नॉर्थ जोन की रैंकिंग है पूरे नॉर्थ जोन में 68वीं रैंक है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 में उत्तराखंड का पहला स्थान प्राप्त शहर हो गया देहरादून। भारत की बात करूंगा तो इंदौर 7वीं बार लगातार टॉप में है, उसके अलावा इंदौर के अलावा सूरत इस बार दूसरे स्थान पर था, और नवी मुंबई, ग्रेटर नोएडा इसके बाद जो नाम था। तो ये भारतीय स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 और उत्तराखंड की पोजीशन, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए और नेक्स्ट है अमृत सरोवर योजना प्रगति रैंकिंग 2024, यानी 23-24 का है रिपोर्ट, फरवरी 2024 में ग्राम्य विकास विभाग, कभी कभी किस कौन रिपोर्ट देता है इस टाइप का प्रश्न बनता है। तो उत्तराखंड का स्थान रहा है छठे नंबर का है तो उत्तराखंड इस बार, और 2023 में उत्तराखंड का स्थान तीसरा था, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा आप। पिछली बार मतलब 2023 था, इस बार छठा आया है। देश में पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है इस बार, यूपी, क्या अमृत सरोवर योजना प्रगति रैंकिंग में, ठीक है। इस योजना की शुरुआत 24 अप्रैल 2022 को हो रखी है। उद्देश्य क्या है, इस योजना के तहत जिला स्तर, नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में
जर्जर हो चुके तालाबों का जीर्णोद्धार रिकंस्ट्रक्ट करना, उन्हें पुनर्जीवित किया जा रहा है, जिसका लक्ष्य है कि हर जिले में लगभग 75 अमृत सरोवर बनाए जाएं। और इस बार उत्तराखंड की बात कहूँगा, मतलब उत्तराखंड के जर्जर हुए झीलें तालाबों को पुनर्जीवित करना और लगभग 75 वर्षगांठ में 75 अमृत सरोवर बनाए जाने हैं। और उत्तराखंड में 975 के सापेक्ष 1166 अमृत सरोवर का निर्माण किया गया है, इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो उत्तराखंड की पोजीशन इस बार रही है 6 नंबर की, याद रखना। पुराना वाला आंकड़ा है 2023 का तीसरा, इसे मत याद रखना, ये मतलब ये भी याद रखना, 3 और 6। चलिए आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में जा रहे हैं। 2023 रिपोर्ट आई है जुलाई 2023 में, संस्था नीति आयोग, उत्तराखंड का स्थान 15वां, सीधा ही पहले आया है। रिपोर्ट के आधार क्या है? स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, ठीक है, ये इसके आधार हैं। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, उत्तराखंड का सर्वाधिक गरीबी दर वाला जिला अगर पूछा जाए तो हरिद्वार है, ठीक है, ये भी अलग से प्रश्न बन रहा है यहाँ पर। सबसे कम गरीबी दर वाला जिला कहा जाए तो देहरादून है, ठीक है, रेट ये है 3.02%, और हरिद्वार 16.29% के साथ सबसे गरीबी दर वाला जिला। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में 15वां स्थान उत्तराखंड का, मेनली स्थान बड़े कन्फ्यूजन करते हैं तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, और जो इससे प्रश्न बना है, इसी में एक प्रश्न और निकला है नोट करके, बहुआयामी गरीबी सूचकांक मामले में उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में सर्वाधिक प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से बाहर आए, ये भी देखना, अलग से प्रश्न है। हाँ, सर्वाधिक गरीब जिले की बात नहीं हो रही है, सर्वाधिक गरीबी होगा तो हरिद्वार, सबसे कम गरीबी तो देहरादून, लेकिन सबसे ज्यादा लोग गरीबी की रेखा से बाहर आए हैं तो अल्मोड़ा में। तो प्रश्नों की टेंडेंसी क्या है, क्या पूछना चाह रहा है, कभी कभी जल्दबाजी में हड़बड़ में ये सब गलत हो जाती क्वेश्चन, बहुत आता हुआ क्वेश्चन, इंडेक्स इंपॉर्टेंट बनता जा रहा है। मैंने अपनी बुक में ये इंडेक्स करके टॉपिक डाला हुआ है, इस बार अपडेट्स जब मेरी बुक होगी अक्टूबर में तो उसमें सारे इंडेक्स को फिर से अपडेट करके यहाँ पर रख दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ, आपके मेंस में काम आ सकते हो, मेंस के टॉपिक भी कुछ बना रखे मैंने इस बार अपनी बुक में, कुछ अपडेट करने के साथ कुछ मेंस के टॉपिक डालूंगा उसमें। सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट 2022-23, सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट फरवरी 2023 रिपोर्ट, और आर्थिक सलाहकार परिषद, जो रिपोर्टें अपडेट नहीं हुई वैसी हैं एज इट इज। तो रिपोर्ट के आधार ये हैं, पोषण और बुनियादी स्वास्थ्य सुरक्षा, पानी और स्वच्छता, आवास और व्यक्तिगत सुरक्षा। देखते हैं पोजीशन क्या है, देश में प्रथम स्थान पर अभी गोवा चल रहा है पूरे देश में, राज्य में, और हिमालयी राज्यों की बात की जाए तो मिजोरम हिमालयी राज्यों में, और उत्तराखंड की पोजीशन है 14वां, भारत में उत्तराखंड का स्थान 14वां नंबर, फिर से एक 14वां आ गया है, और हिमालयी राज्य में उत्तराखंड का स्थान 5वां, ठीक है, वैसे पूछा हिमालयी राज्य में तो नहीं पूछेगा लेकिन भारत में उत्तराखंड का स्थान, और पहला स्थान गोवा का है। तो ये सब कुछ आंकड़े अब आपके पास बढ़ते जा रहे हैं, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जा रहा हूँ। कुछ खास पॉइंट मैंने कवर कर रखे हैं जो 2024 से संबंधित हैं, तो उसके बाद में फिर से रिपोर्ट पर आ रहा हूँ। जैसे खास पॉइंट क्या है, एक जिला एक उत्पाद में उत्तराखंड का कौन सा जिला देश भर में कृषि श्रेणी में दूसरे स्थान पर आया, पूरे देश में, हाँ, उत्तर का डायरेक्ट प्रश्न है, आ सकता है प्रश्न, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है ना, तो उसमें पूरे देश में उत्तराखंड का उत्तरकाशी जिला दूसरे स्थान पर है। उत्तरकाशी जिले में उत्पादित लाल चावल को केंद्र सरकार ODOP योजना हेतु चुना गया है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ता हूँ, दूसरा जो पॉइंट है, खास पॉइंट है यहाँ, जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर नल में जल योजना के अंतर्गत पेयजल कनेक्शन लगाने में उत्तराखंड का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है, तो पौड़ी गढ़वाल, ठीक है, पेयजल कनेक्शन लगाने के मामले की बात हो रही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, तीसरा पॉइंट है जो डायरेक्ट पॉइंट था, भारत सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना PMFME सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्कृत इकाइयों को अपग्रेड करने के मामले में उत्तराखंड कौन से स्थान पर है, तो 8वें स्थान पर है उत्तराखंड, और पहले स्थान पर तमिलनाडु, ठीक। मिलेट मिशन योजना के अंतर्गत मंडुआ खरीद में उत्तराखंड का कौन सा जिला पहले स्थान पर है, तो चमोली, ठीक है, अपडेट्स होते रहते मामले, तो ये ध्यान रख। कुछ खास पॉइंट मैं आपको बता रहा था, ये सारे 5 पॉइंट बहुत काम के हो सकते हैं, नेक्स्ट रिपोर्ट पर जाता हूँ, अब जो पुरानी रिपोर्टें अपडेट्स नहीं हुई हैं बहुत ज़्यादा उन पर काम करते हैं। तो इसमें है नवाचार, भारत नवाचार सूचकांक 2022-23, ठीक
ठीक है, ग्लोबल नवाचार की बात नहीं हो रही, भारत रिपोर्ट जारी जुलाई 2022 में हो रखी है। संस्था नीति आयोग प्रथम स्थान पर कर्नाटक और पहाड़ी राज्यों, पहले स्थान पर मणिपुर और दूसरे स्थान पर उत्तराखंड। तो भारत नवाचार सूचकांक 2022-23 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड का दूसरा स्थान है पूरे देश में, कर्नाटक के बाद दूसरा स्थान। ठीक है, चलिए पहला स्थान कर्नाटक। नेक्स्ट, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स रिपोर्ट, निर्यात तैयारी सूचकांक कहते हैं इसको। इससे संबंधित आपकारी में क्वेश्चन आया था परसों संडे को, मतलब रिपोर्ट 2023 में संस्था नीति आयोग द्वारा रिपोर्ट के आधार क्या है, निर्यात संबंधित मापदंडों का व्यापक विश्लेषण करना। हिमालय राज्य में पहले स्थान पर है उत्तराखंड, तो यही प्रश्न पूछा था, उत्तराखंड का स्थान शायद मेरे ख्याल से तो पहला स्थान है, और दूसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमालयी राज्यों में लिखा अलग से, तो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में उत्तराखंड पहले स्थान पर है। अच्छा, संपूर्ण देश की बात करूँगा, अगर टोटल हिमालय राज्य को छोड़कर, यानी प्रथम स्थान तमिलनाडु का है 81 अंक है उसके, और पूरे देश में उत्तराखंड को 59 अंकों के साथ नवा रैंक मिला है, हिमालय राज्य में पहला, वैसे नवा पूछा क्या था मुझे नहीं पता क्वेश्चन, लेकिन ध्यान आ रहा है कि उसने हिमालय राज्य में पूछा या पूरे उत्तराखंड भारत में उसकी पोजीशन पूछी थी उत्तराखंड की, तो ये ध्यान रखिएगा फिर से क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ जाता हूँ, उत्तराखंड के इंडेक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं आपको पता है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023, ठीक है, और ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार रिपोर्ट जारी करने का आधार इसमें योजना क्रियान्वयन ओवरऑल परफॉर्मेंस के आधार पर राज्य की रैंकिंग का निर्धारण किया जाता है। पहले स्थान पर भारत में राजस्थान है, और दूसरे स्थान पर फिर से उत्तराखंड मिल रहा है यहाँ पर, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण परफॉर्मेंस, यानी दूसरा स्थान है, हाँ याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाता हूँ, नेक्स्ट है लैंडस्लाइड एटलस रिपोर्ट, भूस्खलन सूचकांक 2023-24, पुराना ही आंकड़ा होगा लगभग, अगर पूरा नहीं रिपोर्ट आपने पढ़ी होगी तो, रिपोर्ट मार्च 2023 में आ रही है, और संस्था है इसरो ISRO, ठीक है, और उसमें रिपोर्ट का आधार क्या है, पहली बार देश के 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के 147 जिलों में 1998 से लेकर 2022 के बीच रिकॉर्ड किए गए भूस्खलन लैंडस्लाइड की घटनाओं के आधार पर जोखिम का आंकलन। तो इसमें प्रभावित जिले हैं, भारत के शीर्ष प्रभावित जिले रुद्रप्रयाग और दूसरे स्थान पर टिहरी, तो ये उत्तराखंड के हैं दोनों। तो ये है लैंडस्लाइड एटलस रिपोर्ट, इसरो द्वारा पहली बार दी गई है। चलो नेक्स्ट है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022-23, न्याय दिलाने के मामले में रिपोर्ट अप्रैल 2023 में अपडेट है। सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, भारत के राज्य में पहले स्थान पर कर्नाटका और दूसरा स्थान तमिलनाडु और 14वां स्थान उत्तराखंड का, फिर से आ गया एक नंबर 14वां, बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022-23 में, जबकि पिछली बार जो पिछली रिपोर्ट थी वहाँ पर भारत का स्थान 15वां था, सॉरी उत्तराखंड का स्थान है ना, इस बार 14वां है, तो फिलहाल 14वां याद रखना है, इससे बाद कोई अपडेट्स नहीं है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान 2022-23, जुलाई 2022 खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, प्रथम स्थान उड़ीसा का देश में, और 24वां स्थान है उत्तराखंड का इस बार, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान। ठीक है, चलिए कुछ रिपोर्ट हैं 10-12, मैंने नंबर भी डाले वैसे। राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक 2022 रिपोर्ट अप्रैल 2022 में आ रही है, नीति आयोग की रिपोर्ट का आधार है जलवायु और ऊर्जा क्षेत्र में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किए गए प्रयास को ट्रैक करना। संपूर्ण देश में गुजरात पहले स्थान पर है और उत्तराखंड का 5वां स्थान मिला है यहाँ पर, और संपूर्ण देश में छोटे राज्य में गोवा पहले, इसकी जरूरत नहीं है, बस उत्तराखंड का स्थान 5वां चाहिए हमें, 5वां स्थान उत्तराखंड का। ठीक है, किसमें, राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक, पुरानी रिपोर्ट है, बहुत नया अपडेट कुछ नहीं है इसमें अभी फिलहाल, और कुछ और प्रश्न आपको मिलेंगे। उत्तराखंड चूंकि ये टॉपिक चल रहा है इंडेक्स का, ई कचरा प्रबंधन करने के मामले में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है ई कचरा प्रबंधन करने के मामले में, पहले स्थान पर हरियाणा है। नीति आयोग द्वारा सतत विकास सूचकांक SDI 2021 में उत्तराखंड की कौन सी रहेंगे, तो 7वीं रहेंगे, ये मेरे ख्याल से आबकारी का क्वेश्चन है, आबकारी में 2 क्वेश्चन आए थे इंडेक्स से, ये भी था 7वीं रहेंगे। चलिए 2021 का था आंकड़ा, चूंकि उसके बाद रिपोर्ट अपडेट नहीं हुई है पूरी तरह से, तो इस वजह से स्वाभाविक वही पूछना था। तो हाल ही में जारी खाद्य सुरक्षा विभाग की फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स पहल में उत्तराखंड ने कौन सा स्थान प्राप्त किया था, दूसरा। ठीक है, तो फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स पहल, खाद्य सुरक्षा विभाग की है रिपोर्ट, इसमें उत्तराखंड दूसरी स्थान पर। नेक्स्ट है रोजगार सृजन, उत्तराखंड देश में कौन से स्थान पर है, तो दूसरे स्थान पर, पहला स्थान असम को मिला है रोजगार सृजन के मामले।
जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत हर घर नल से जल पहुंचाने में उत्तराखंड का कौन सा जिला पहले स्थान पर है? देहरादून। ठीक है, ये अलग टॉपिक है उससे। अच्छा, नेक्स्ट है बाघ गणना 2022 के अनुसार उत्तराखंड में बाघों की संख्या कितनी है? 560 बाघ हैं, ये भी ध्यान रखना, चूंकि ये टॉपिक वैसे ही इंपॉर्टेंट बन जाता है बाघ गणना का। बाघ गणना की बात कहूँगा तो भारत में पहली बार 2006 में हुई, फिर 2010 में और 2014 में, 2018 और 2022 में बाघ गणना होती रही। उत्तराखंड में बाघों की संख्या 178 थी सबसे पहले, तो बढ़ती गई धीरे धीरे और 340 और लास्ट में 442, अब तो 560 बाघ हैं वर्तमान। तो किस दशक में सबसे ज़्यादा बाघ बढ़े हैं? वैसे दशक तो क्या कहना चाहिए, हर किस चार वर्ष बाद इसकी जनगणना होती है। तो उत्तराखंड में बाघों की संख्या में सर्वाधिक बढ़ी 2018-22 के बीच में, 118 बाघ बढ़े हैं। और भारत की बात की जाए, भारत में भी सबसे ज़्यादा बाघ अभी MP में है, टाइगर स्टेट तो कहते ही हैं मध्य प्रदेश को पहले से, 785 बाघ है वहाँ पर, कर्नाटका में 563 और उत्तराखंड में 560। सर्वाधिक बाघ वाला टाइगर रिजर्व कॉर्बेट ही है वैसे भी उत्तराखंड का, और 2018 में यहाँ पर 231 बाघ थे और वर्तमान में यहाँ पर 260 बाघ। ठीक है, तो ये बाघ रिपोर्ट के आंकड़े आपको जरूरी याद रखने थे। अच्छा, और एक प्रश्न यहाँ पर दिख रहा है, उत्तराखंड के किस जिले में 2018 से लेकर 22 के दौरान सबसे अधिक स्थायी पलायन हुआ है? तो इसका आंसर है अल्मोड़ा में स्थायी पलायन ज़्यादा हुआ है। वैसे उत्तराखंड पलायन आयोग निवारण का गठन 2017 में किया गया है, उत्तराखंड पलायन निवारण आयोग कर दिया इसका नाम, ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड पलायन आयोग का गठन, ये नाम क्या कर दिया गया, ये भी पूछा प्रश्न है। तो उत्तराखंड पलायन निवारण आयोग, ठीक है, इसका मुख्यालय पौड़ी में है सबसे बड़ी बात, और आयोग के अध्यक्ष तो मुख्यमंत्री माने जाते हैं, उपाध्यक्ष SS नेगी वर्तमान में है, 7 सदस्यीय आयोग होता है, उत्तराखंड पलायन निवारण आयोग कहेंगे अब आप उत्तराखंड पलायन आयोग को, तो इससे संबंधित फैक्ट है। और 2018 से 22 के मध्य पलायन की दर लगभग 76.9% रही उत्तराखंड में, और 2011 से 18 के बीच पहली रिपोर्ट दी थी उसने, और कहा था कि सबसे कम स्थायी पलायन उद्धम सिंह नगर में हुआ है और सबसे ज़्यादा अल्मोड़ा में हुआ है, ये प्रश्न ही था। तो ये उत्तराखंड पलायन आयोग और उत्तराखंड पलायन निवारण आयोग, ठीक है, ये थी उत्तराखंड की कंप्लीट रिपोर्ट्स आपके सामने, और उत्तराखंड का इंडेक्स था ये। इसी संदर्भ में उत्तराखंड की जो रिपोर्ट्स यहाँ पर थी आपके सामने, उसका एक बार आपने पूरी तरह पढ़ना है और उसी पर आधारित बहुत सारे प्रश्न की लिस्ट तैयार करनी है। तो उम्मीद है कि जो पिछले सालों में क्वेश्चन बने हैं या इसके आसपास, इसके साथ चूंकि बजट का टॉपिक मैंने वहाँ अपडेट कर रखा था, और बजट के टॉपिक के साथ साथ आर्थिक समीक्षा और उसको भी थोड़ा सा अपडेट करना है आपने एग्जाम हॉल में जाने से पहले, बजट और आर्थिक समीक्षा और उत्तराखंड के इंडेक्स 2023-24, तो यहाँ पर से आपको थोड़ा सा प्रॉफिट हो सकता है। इस क्लास को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ मैं, क्योंकि उत्तराखंड के अलावा जो इंडियन इंडेक्स है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो उसको भी मैं अपडेट करूँगा तुरंत ही दूसरे वीडियो में, है ना। आज की क्लास यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। जय हिंद, जय उत्तराखंड।